हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट वॉलंटियर पे। आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं, वो किन पांच बातों का ध्यान रखते हैं जिनसे वो टॉपर बनते हैं या यूँ कहें कि उन्हें टॉपर बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं उन्हीं पाँच पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं वो है बेटर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। कि आपने अगर टाइम टेबल बनाया भी है तो उसको भी आपको उस सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग बनाना है। यानी कि जैसा कि आपका मान के चलें सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, किसी बच्चे का सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, वो बच्चा चाहे कोचिंग का हो चाहे स्कूल का हो, तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, कौन सा सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑल ओवर टाइम टेबल बनाना है और अपने टाइम को मैनेज करना है। जैसे कि उसका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद उसके पास कितना टाइम बचेगा एग्ज़ाम से पहले और वो कितना टाइम रिवीजन के लिए दे सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका सेल्फ बिलीव, यानी कि सेल्फ बिलीव, सेल्फ डिसिप्लिन, या यूँ कहें कि आपको कहीं पर एक्सक्यूज नहीं देना है। जैसे कि बात करें, कई बच्चे रहते हैं कि भैया हमारे स्कूल के वो टीचर्स, फलाना टीचर्स, कोचिंग के वो फिजिक्स के टीचर्स, वो मैथ के टीचर्स अच्छे नहीं मिले हैं, वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इस वजह से मेरा बैकलॉग हो रहा है, इस वजह से मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। तो अपने ऊपर बिलीव करके चलना है और एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि हाँ ये कि ये हो गया, वो हो गया और ना जाने क्या क्या हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो पॉइंट है जिसका आप विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हो वो है मेकिंग अप प्रॉपर नोट्स। यानी कि आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से लिसन करना है और उसको सिंसियरली उसको देखना है और उसको वहीं पे उसका नोट्स कंप्लीट करना है। इसके बाद जब आप क्लासरूम से वापस अपने घर आ रहे हो उस टाइम पे उस एक बार नोट्स को रिवाइज करना है एंड उस नोट्स को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स वहाँ पे रह गए होंगे उसको फिल करना है, कुछ चीज़ें आपने बुक से नोटिस किया हो उसको आपको उसी नोट्स में कंप्लीट करना है एंड इसके बाद भी कुछ आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको आपको हाईलाइट करना है प्रॉपर तरीके से, कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको नोट डाउन करना है, उसको हाईलाइट करना है। जब आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा या फिर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उस चैप्टर के प्रॉपर शॉर्ट्स नोट्स भी बनाने हैं। इससे जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। चौथा जो पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपका स्पेंड टाइम वाइजली। जैसे कि आपको बहुत ही लिमिटेड स्टडी मटेरियल यूज़ करना है। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही है वो इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। इसके बाद अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो NCERT जितने भी हैं वो इनफ है आपके लिए। इसके अलावा ज़्यादा कुछ बड़ा स्टडी मटेरियल लेकर के उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाँचवा जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर ऊपर के चार पॉइंट्स को देखें तो अगर आपने पांचवा पॉइंट वीक कर लिया तो ऊपर के जो चार पॉइंट्स है वो भी आपके धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो पांचवा पॉइंट है वो है आपका हेल्थ एंड बैलेंस लाइफ, यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप भी लेना है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ बेटर रहेगी, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज भी कभी करना है, कभी वॉक पे भी जाना है, इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ टाइम आपको निकालना है जिससे कि आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों स्ट्रांग रहेगा और लॉन्ग टर्म पे आप आराम से इजी वे में जा सकते हो। अब इसमें कई बच्चे ये सोचते हैं कि भैया अगर मैं 7 घंटे सो रहा हूँ, 6 घंटे सो रहा हूँ तो इसको कम कर लेता हूँ ताकि हमारा एकेडमिक्स इंप्रूव हो जाएगा और यहाँ से हम टाइम निकाल करके अपने एकेडमिक्स में इनपुट डाल सकते हैं, पर ये मेथड गलत है आपका। अगर आपको अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव करना है तो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसके टाइम को आपको कम करना चाहिए। आपका जो स्लीपिंग आवर्स है उसको मेरे हिसाब से चेंज नहीं करना है, उसको आपको 6 to 7, 8 and 8 रख सकते हो इजी वे में, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये थे 5 पॉइंट जिसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हो जो कि आपके एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर एकेडमिक टिप्स वाले वीडियोज़, एकेडमिक गाइडेंस के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको अपडेटेड टाइम पर मिल सके। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।